नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। दोस्तों, हमें आज एक वीडियो मिला है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही आपको देखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि कांग्रेस है जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के और 115 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के और 70 लाख जो EPS 95 पेंशनर है उनको लेकर के, उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के मुद्दा चल रहा है, उनको आगे बढ़ाएगी। और इस वीडियो के अंदर पूरा पूरा आपको विस्तार से बता दिया गया है क्या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो हमें ट्विटर के द्वारा मिला है क्योंकि हमें ऑफिशियल अकाउंट से जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग, तो वो हमसे मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या है पूरा मामला, क्या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को मैंने यहाँ पर रख दिया है, इस मोबाइल को, और यहाँ पर मैं आपको स्पीकर के पास में रख देता हूँ माइक, और हम इसको करते हैं ऑन। मोदी सरकार ने 23 अप्रैल पिछले वर्ष यानी 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया और उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 से यानी पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 23 अप्रैल 2020 में 1 जनवरी से, और इस प्रकार 4 किश्तें, 1 जनवरी पिछले वर्ष, 1 जुलाई पिछले वर्ष, 1 जनवरी इस वर्ष, और अब आने वाला 1 जुलाई 2 दिन बाद, 4 किश्तों में लगभग 115 लाख सैनिक, सेवानिवृत्त पेंशन वाले लोग, कर्मचारी सरकार के 115 लाख लोगों के पेट पर लात मारी। ये था पिछले वर्ष। इस 115 लाख लोगों में एक एक आंकड़ा औपचारिक है, सरकारी है, प्रकाशित है, कोई इसमें अटकल नहीं, कोई राजनीति नहीं, स्पष्ट तथ्य है। इसमें से 15 लाख यानी 115 में से 15 लाख सैनिक थे और 26 लाख सेना से संबंधित सेवानिवृत्त पेंशनर्स, यानी पूरा हुआ टोटल 41 लाख 115 लाख में से। बाकी भी 60 लाख या 70 लाख महत्वपूर्ण कर्मचारी केंद्र सरकार के। अब इसमें एक अजीबोगरीब बात मैंने इसलिए कही कि कारण क्या दिया, कोविड। तो भाइयों बहनों, कोविड में तो ज्यादा मदद करनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि हमें ट्विटर के माध्यम से भेजा, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हम इसमें अपलोड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद में जो कांग्रेस है वो पेंशनरों और कर्मचारियों को सपोर्ट कर रही है कि कोविड के अंदर ज़्यादा तो छोड़ करके हमें हमारा हक भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी अपडेट हमारे इस चैनल पर ही आपको मिलेगी क्योंकि दोस्तों हमारा ऑफिशियल चैनल है, सभी को भरोसा है, तभी ये हमारे पास लोग वीडियो सेंड करते हैं और हमें आगे शेयर करने के लिए बोलते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर सभी को भरोसा है। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंशन है बढ़ोतरी है जो अब निश्चित होना है क्योंकि अब बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और सरकार को ज़रूर झुकना पड़ेगा या फिर पहले ही हमारी मांगें पूरी मांग लें। बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। वीडियो छोटा सा बनाया है क्योंकि ज़्यादा बेस करने से कोई मतलब नहीं है, जो अपडेट होगी वही अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।